तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ चार्ट्स कैसे देखें, स्ट्रेटजी के लाइफ चार्ट्स कैसे देखें, और अगर हमको बैक टेस्ट करना है तो वो कैसे करें, राइट? ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बैक टेस्टिंग से। अगर आपको पता है कि गो चार्टिंग का जो 599 का प्लान है, इंडिया लाइफ प्लान, उसमें आपको एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ये फुल प्लान में तो मिलता ही मिलता है, बट 599 वाले प्लान में भी मिलता है। तो इसको हम सर्च करेंगे यहाँ से, एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो भी हमको इंडेक्स सर्च करना है, से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी, राइट? निफ्टी हमने सर्च किया। इसके बाद आपको एक्सपायरी चूज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपायरीज है, ठीक है? तो अभी समझो हमको ये लेटेस्ट 25 जनवरी का एक्सपायरी हमको चूज करना है, ठीक है? तो ये हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस वाइज चार्ट्स दिखेंगे, ठीक है? तो समझो अभी मुझे 21,000 का स्ट्रैडल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, किसी पे भी क्लिक करूंगा तो उसका चार्ट मुझे आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये आपका आ गया 21,000 कॉल ऑप्शन का चार्ट, 3 मिनट टाइम फ्रेम में। आप इसको 30 मिनट, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम में आपको रखना है आप रख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर, तो ये तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, राइट? बट समझो अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, समझो हमने 21,000 का एक स्ट्रैडल बनाया है, ठीक है? और अगर हमको उसको बैक टेस्ट करना है तो कैसे बैक टेस्ट करेंगे? तो यहाँ पे आपको जाना है, आपको बास्केट ऑर्डर क्रिएट करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमने बास्केट ऑर्डर क्रिएट किया। अब देखो, अगर समझो हमको स्ट्रैडल बनाना है तो हमको 21,000 का कॉल और पुट दोनों सेल करना होगा, या समझो बहुत सारे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज है, जैसे 920 स्ट्रैडल हो गया या 220 स्ट्रैडल हो गया, तो उस टाइम पे इंडेक्स का चार्ट देखना है। 920 को इंडेक्स क्या था और उस क्या उस समय एट द मनी क्या प्राइस चल रहा था, और उसके हिसाब से अगर आपको स्ट्रैडल बनाना है तो यहाँ से स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करना है। तो समझो मैं इसको सेल करूंगा और इसको सेल करूंगा। तो जब आप यहाँ बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो ये सेल के ऑप्शन, बाई सेल के ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे आपका एक बास्केट ऑर्डर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, मुझे ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए, बट इन द फ्लो में बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी चार्ट में फ्रेंड्स आप देखोगे तो बहुत सारी तरह तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं और उसमें बहुत मल्टीपल लेग्स होती हैं, राइट? बट एज ऑफ नाउ हम मैक्सिमम 4 लेग्स अलाउ करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी चार्ट के लिए आप मैक्सिमम 4 लेग कर सकते हो, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू ये है कि आप जो है एक ही एक्सचेंज के जो सिंबल है उनको यूज कर सकते हो, वो मैं अभी आपको यहाँ पे सर्च में बताऊंगा। तो चलिए इसको चलते हैं और इसको ऐड टू चार्ट करते हैं, ठीक है? जब हमने इसको ऐड टू चार्ट किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक स्ट्रैडल का चार्ट मिल गया है, ठीक है? ये आपका स्ट्रैडल का चार्ट मिल गया है, राइट? अब आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मान लो रिप्ले करता हूँ, ठीक है? तो ये 30 मिनट का हो गया, अभी मैं इसको 5 मिनट में लेकर के, राइट? तो अभी समझो मैं इसको रिप्ले कर करके देखता हूँ कि कैसे मेरा चार्ट परफॉर्म किया, राइट? तो कुछ जो सप्लाई जोन, डिमांड जोन वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो इम्बैलेंस चेक करते हैं कैंडल में, जब इम्बैलेंस आता है। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे हमको थोड़ा इम्बैलेंस टाइप दिखा, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना एक डिमांड जोन सर्च करेंगे, राइट? तो आप एक डिमांड जोन यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ करके बना सकते हो। आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन योर कम्प्लीटली, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अपना यहाँ पे ये वाला टूल भी लगा सकते हो, व्हाट यू से, लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन। तो समझो मैं यहाँ से लॉन्ग गया, ठीक है? तो अब मैं देखता हूँ कि मतलब मैंने इसको चलाया और मैं चला के देखता हूँ मेरी एंट्री कब हुई और मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला मेरा, ठीक है? तो ये आप बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी चार्ट पे भी आप ये कर सकते हो। ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरा, आप इस पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो, जो भी इंडिकेटर्स होते, सारे इंडिकेटर्स आप RSI लगा सकते हो, MACD लगा सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रेटजी चार्ट पे बैक टेस्टिंग। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कहोगे तो मैं, अगर कोई डाउट है आप मुझे मैसेज में पूछिए, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अगर किसी को भी कोई डाउट है, राइट, आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है, अदरवाइज आप ऑलराइट, ओके. तो ये हो गया हमारा बैक टेस्टिंग ऑन एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ. निफ्टी का चार्ट हम फिर से लगाते हैं वापस, और मैं ये सारे इंडिकेटर्स भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है. एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम यहाँ से हटाते हैं. अब देखिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास. फिर से अगर हमको यहाँ पे स्ट्रेटजी चार्ट लगाना है तो तीन ऑप्शन है. पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और अगर आपको लाइव चार्ट्स पे लगाने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक आप यहाँ से लगा सकते हैं. तो आपको अगर यहां से लगाना है तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपके पास देखिए कितने ऑप्शन है. आप डिवाइड कर सकते हो दो चार्ट्स को, आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पे, और वन अपॉन भी कर सकते हो, राइट. और इस पे स्क्वायर मतलब जो भी उसके ऊपर लगाना है वो लगा सकते हो. तो यहाँ पे जैसे माइनस का मतलब होता है कि आप उसको सेल कर रहे हो, प्लस का मतलब होता है कि आप उसको बाय कर रहे हो, राइट. तो समझो अभी हमको चार्ट बनाना है रिलायंस डिवाइडेड बाय निफ्टी का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राइट. तो हम करेंगे रिलायंस, ओके, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय का ऑप्शन और निफ्टी, ठीक है. ये हमने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, एंटर एंटर दबाएंगे, और ये आपका आ गया रिलायंस डिवाइडेड बाय निफ्टी का आपका चार्ट आ गया, राइट. सिमिलरली अगर आपको यहीं से आपको एक स्ट्रैडल बनानी है तो आप क्या करोगे, निफ्टी सबसे पहले तो आप जाओगे इज इक्वल टू लगाना जरूरी है. फिर आप जाएंगे निफ्टी ऑप्शन चेन में जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, निफ्टी ऑप्शंस पे जाना है. अब आपको यहाँ पे इसको सेल करना है, ठीक है. तो ये वाला आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है, मतलब सॉरी इसको आपने बाई किया, और अगर आप इसको सेल करना चाहते हो, अब अगला ऑप्शन आपने सेल करना है, तो फिर से आप करेंगे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ऑप्शंस, और समझो मुझे इसको, ओके, और समझो मुझे इसको अभी सेल करना है, ठीक है. तो बस ये मैं एंटर करूंगा और ये मेरा चार्ट आ गया, ये मेरी स्ट्रेटजी का चार्ट आ गया. अगर आपको पहले इसको सेल करना था तो आपको इसको पहले इसको माइनस करके कर सकते हो, राइट. सो आई होप आपको यहां से कैसे चार्ट को ऑपरेट करना है ये आपको समझ आ गया होगा, ओके. सो अभी तीसरा हमारे पास ऑप्शन है. यहाँ पे हम ऑप्शन चेन से सीधे हम स्ट्रेटजी चार्ट बना सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा, तो इसका ऑप्शन चेन आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद आप यहाँ पे फिर से देखेंगे, आपको यहाँ पे बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, राइट. आप इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे समझो हमको ये स्ट्रैडल बनानी है, तो हमको इसको सेल करना होगा और हमको यहाँ पे इसको सेल करना होगा. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ये विंडो आ गई है जहाँ पे आपके बास्केट ऑर्डर लगे हुए हैं. तो अभी एक्सपायर्ड ऑप्शन के केस में आपको ये प्लेस बास्केट ऑर्डर और एनालाइज ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे. प्लेस बास्केट ऑर्डर, ठीक है, ये आपके लाइव बास्केट ऑर्डर प्लेस कर देगा. अब यहाँ पे अगर एनालाइज पे क्लिक करते हो तो ये आपको पे ऑफ चार्ट पे ले आएगा, ठीक है. आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस इसका एनालाइज कर सकते हो. और इसके बाद अगर आपको इसका स्ट्रैडल चार्ट देखना है तो ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको इसका स्ट्रैडल चार्ट दिख गया है, राइट. सो यहाँ पे ऐसे आप इसके टाइम फ्रेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, राइट. और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे बार रिप्ले का यूज़ कर सकते हो. बार रिप्ले का यूज़ करके आप अपनी स्ट्रैटजी को टेस्ट कर सकते हो, राइट, कि आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है. इसके अलावा आप यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो. से फॉर एग्जांपल मुझे आरएसआई लगाना है तो मैंने ये आरएसआई लगा लिया, या से फॉर एग्जांपल एमएससीडी लगाना है, राइट. तो ये सारे इंडिकेटर्स लगा करके आप ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हो, और आप लाइव में भी ये सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, ओके. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम गो चार्टिंग पे सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो यस इट इज पॉसिबल. सो सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, लॉन्ग फ्यूचर चार्ट और शॉर्ट फ्यूचर चार्ट, ओके. तो अगर हमको लॉन्ग फ्यूचर चार्ट क्रिएट करना है से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के लिए, तो हम फिर से ऑप्शन चेन में जाएंगे,
यहाँ पे बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अगर हमको, अब यहाँ पे दो तरह के फ्यूचर ऑप्शन है, सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट है, पहला तो लॉन्ग के लिए है और दूसरा शॉर्ट के लिए है। तो अगर आपको लॉन्ग फ्यूचर चार्ट क्रिएट करना है तो आपको कॉल से, पहली बात तो सेम स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए और सेम एक्सपायरी होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग चार्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है और पुट ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। तो ये आपको लगभग एग्जैक्टली मिमिक करेगा, आपको जो इंडेक्स है उसको मिमिक करेगा। तो अभी आप ये इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, मैं जैसे इसको चार्ट पे लगाऊंगा आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम चार्ट आपको दिखेगा, राइट। तो ये हो गया आपका लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट। अब अगर आपको शॉर्ट फ्यूचर चार्ट बनाना है, सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट, तो आपको शॉर्ट के लिए कॉल ऑप्शन को सेल करना होगा और पुट ऑप्शन को बाय करना होगा, और आप इसको ऐड टू चार्ट करोगे तो ये जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया सिंथेटिक फ्यूचर चार्ट, आप कैसे बना सकते हो गो चार्टिंग में। अभी दूसरा अपडेट ये है कि अभी हमारे पास बीएससी के भी चार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो बीएससी में हमारे पास सेंसेक्स के चार्ट्स हैं, सेंसेक्स के फ्यूचर्स और सेंसेक्स के ऑप्शंस चार्ट हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स के जनरली, बीएससी के जो फ्यूचर्स होते हैं उसका जनरली जो डेटा होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। सो हम लोग रिकमेंड करते हैं सेंसेक्स के ऑप्शंस, आप यहाँ पे सेंसेक्स का ऑप्शंस लगा सकते हो और यहाँ पे आप इसका ऑर्डर फ्लो भी देख सकते हो। तो इम्बैलेंस लगा करके, और अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको इसका ऑर्डर फ्लो डेटा भी मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आप सेंसेक्स का देख सकते हो और फिर बैंक एक्स का भी देख सकते हो, यहाँ पे बैंक एक्स के फ्यूचर्स और बैंक एक्स के ऑप्शंस, राइट। तो समथिंग लाइक दिस आपको ये सारा डेटा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा बीएससी का जो डेटा है वो एक्चुअली में फ्री है, बट हमारा ऑर्डर फ्लो डेटा केवल प्रीमियम है, बट लाइव डेटा आपको बीएससी का फ्री मिलेगा, राइट। तो जो भी ट्रेडर्स, आप बाकी और सारे फीचर्स हमारे यूज कर सकते हो एक्सेप्ट ऑर्डर फ्लो, ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स, बाकी सारे आप फीचर्स यूज कर सकते हो बीएससी के केस में। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अपडेट फ्रॉम गो चार्टिंग, यू नो, विद रिस्पेक्ट टू बीएससी डेटा और स्ट्रेटजी चार्ट। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है? सो आई थिंक यस, राइट। सो अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाउ टू टेक ट्रेड कंफर्म बाबू राव, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या क्वेश्चन है। हाउ टू आइडेंटिफाई एन इम्बैलेंस, मोहम्मद इरशाद अहमद। देखिए, इम्बैलेंस क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे वैसा तो कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, बट जनरली अगर आप देखते हैं इसका, से फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, जनरली जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, ऑल्दो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे ट्रेडर्स उसको फॉलो करते हैं। तो इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे समझो आपकी ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल में आप देखोगे जो इसके पहले वाली कैंडल है वो यहाँ पे खत्म है और जो इसके बाद वाली कैंडल है वो यहाँ पे खत्म है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस कैंडल के लिए वो इम्बैलेंस की तरह काम करता है। इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के लिए। अभी आप देखोगे तो मार्केट बार बार यहां से, यहीं से रिवर्स कर रहा है, आप देखो यहीं से बार बार रिवर्स कर रहा है, राइट। तो अब ये हर बार अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, आई मीन दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो दिस इज वॉट इम्बैलेंस इज। बट अगर आप ऑर्डर फ्लो में देखोगे तो ऑर्डर फ्लो का जो इम्बैलेंस है वो एकदम अलग अलग चीज है, मतलब अलग चीज तो नहीं है, सेम ही चीज है, बट अगर आप ऑर्डर फ्लो में जाके देखोगे ना तो आपको ऑर्डर फ्लो में भी यहाँ पे इम्बैलेंस दिखेगा, राइट। जैसे आप देखो यहाँ पे ये वाला जो हमारा एरिया था, आप देखो यहाँ पे जो येलो पोर्शन है वो यहाँ पे इम्बैलेंस आपको दिखेगा, ये बहुत अच्छा खासा इम्बैलेंस दिख रहा है। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग करने के लिए आप जाएंगे इम्बैलेंस कैंडल में जाएंगे और यहाँ पे इम्बैलेंस पे आप एक लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रेशियो लगाना है कि आपको 300% इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, इधर आपके सेल साइड के ऑर्डर है और इधर आपके बाय साइड के ऑर्डर है, तो इन दोनों के बीच में जब
बाय साइड का ऑर्डर सेल साइड के ऑर्डर से 3 times ज्यादा हो जाएगा तो बाय साइड में इम्बेलेंस आएगा। जैसे अच्छा हम डायगोनली कंपेयर करते हैं, जैसे ये 15K है और ये 57K है, तो 15 × 3 करेंगे तो 45 आएगा, राइट। बट दिस इज 57K, तो यहाँ पे बाय साइड इम्बेलेंस है। और जब सेल साइड में 300 से ज्यादा हो गए तो समझो यहाँ पे 8.1 है, तो 8.1 × 3 मतलब 24K, बट यहाँ पे 32K है, तो यहाँ पे आपको सेल साइड इम्बेलेंस दिख गया। ये आप चेंज भी कर सकते हो, समझो मैं इसको 1000 कर दूंगा तो आप देखो अब यहाँ पे आपको केवल ये इम्बेलेंस दिख रहा है और ये बहुत अच्छा खासा इम्बेलेंस है, राइट। तो ये रेशियो आप चेंज कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट हम इसको 300 पे करते हैं। आप रेशियो पे भी डिपेंड कर सकते हो और फिक्स्ड वैल्यू भी ले सकते हो, व्हाटएवर वैल्यू यू वांट। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंबैलेंस। चिरान एस, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट टू बी, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डूइंग मैथ ऑन टू इंस्ट्रूमेंट, इज इट टू सी हाउ माई पोजिशन इज परफॉर्मिंग। यस, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो हो गई कि आपको स्ट्रेटजी चार्ट, जैसे देखो जो स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस को एक्चुअली ट्रेड करने का जो सही तरीका है वो हेज करके स्ट्रेटजी बना के ही है, बाकी हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो एक अलग बात है। बट जो प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं या जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रॉपर, और उसके बेस पे ही वो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। बहुत सारी आपको पता होगा, आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, बहुत सारी स्ट्रैटजीज हैं। तो वो स्ट्रैटजीज को वो समझो, वो स्ट्रैटजी आपने बनाया तो उसने उस स्ट्रैटजी ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। अगर आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो, या समझो आप अपनी आपने कोई स्ट्रैटजी ली और आप लाइव में देखना चाहते हो कि मुझे उसका लाइव में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो आप सीधे यहाँ पे अपना स्ट्रैटजी यहीं पे बना लो कि आपको क्या बाय सेल करना है, राइट, यहाँ पे करके, और आप अपने ऑप्शंस पे जा करके उसको सेलेक्ट कर लो और जो भी आपको बाय सेल करना है उसको यहीं पे फॉर्मूला से लगा के, और सीधा आपको चार्ट पे दिखेगा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, कहाँ से क्या हो सकता है, राइट। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से। तीसरा ये होता है, देखो इसमें रेशियो चार्ट्स होते हैं, स्प्रेड चार्ट्स, तो इसका मतलब होता है जैसे समझो आपने रिलायंस बाय निफ्टी का चार्ट बनाया, तो अब आपको यहाँ पे ये पता लगेगा कि रिलायंस और निफ्टी के बीच में एक कंपैरिजन क्या है, मतलब रिलायंस कितना मूव हुआ उसके रिस्पेक्ट में निफ्टी कितना मूव हुआ, तो आपका स्टॉक इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप उसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, ये बहुत ही मतलब इसके बाद बहुत अच्छा इसका मटेरियल अवेलेबल है गूगल पे, आप इसको ठीक से देख सकते हैं, राइट। सर लाइव यूज गो चार्टिंग, अच्छा सॉरी मुथु कुमार, मैं उसको थोड़ा एक बार और देख लूंगा। सर लाइव चार्ट नहीं चलता है गो चार्टिंग में, हाँ देखिए सुनील जी, लाइव चार्ट आपको तब दिखेगा जब आप उसका कोई प्लान लोगे। बेसिकली देखो हमारे पास ना प्लान्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो अगर आप प्राइसिंग में जाओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंडिया में आप जाओगे ना तो आपको इंडिया लाइट, इंडिया एनएससी प्रीमियम, तो देखो फ्री वाले में तो लाइव चार्ट नहीं दिखेगा। जो इंडिया लाइट प्लान है ना इसमें आपको लाइव ओपन इंटरेस्ट दिखता है, प्लस इसमें आपको एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की, मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, सॉरी। ओके ओके, आई होप आपको प्राइसिंग दिख रहा होगा आपको। अब अगर आप प्राइसिंग में जाओगे, ठीक है, तो इंडिया लाइट प्लान जो है ये हमारा इंडिया लाइट, देखो फ्री में तो आपको लाइव चार्ट नहीं दिखेगा, इंडिया लाइट प्लान में आपको लाइव ओपन इंटरेस्ट दिखेगा और आपको एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखेंगे जो मैंने अभी बैक टेस्ट करके आपको दिखाया था, ये इंडिया लाइट प्लान में मिलेगा आपको। तो ये लाइव ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है, अच्छा ये जो मैं इसको अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। इंडिया एनएससी प्रीमियम फुल प्लान है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, इसमें आपको सारे ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम सब कुछ मिलेगा। इसी तरह से ये इंडिया एमसीएक्स प्रीमियम है और ये एनएससी प्लस एमसीएक्स मतलब इंडिया ऑल प्रीमियम है। अभी ये जो इंडिया लाइट प्लान है इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप प्रोडक्ट्स में जाओगे और ऑप्शन डेस्क में क्लिक करोगे, राइट, ठीक है, तो अब अगर आप ऑप्शन डेस्क में जाओगे ना यहाँ पे, तो अब आप देखोगे, आई होप आपको ये विजिबल है, ओके तो अगर आप ऑप्शन डेस्क में जाओगे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिलेगा, पे ऑफ चार्ट मिलेगा, अभी सेम चीज का आप पे ऑफ चार्ट बना सकते हो, राइट। तो
ओके, यहाँ पे आप पे ऑफ चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप, सॉरी मुझे अभी याद आ गया, मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ कि आप ऑप्शन चेन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक पेपर स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी लेग कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पे ऑफ चार्ट मिल गया। यहाँ पे सेम आपको प्राइस चार्ट दिखेगा, पर इंडिया लाइट के केस में आपको यहाँ पे लाइव प्राइस चार्ट नहीं दिखेगा, बट ये सारे फीचर आपको दिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर है ऑप्शंस फ्लो का। ठीक है, ऑप्शंस फ्लो को अगर आप देखोगे तो ये आपको, देखो इधर इस साइड में अगर आपको देखोगे तो ये फ्यूचर्स का डेटा है और इस साइड में आपको ऑप्शंस का डेटा है। तो फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से किस तरह से ओवाई चेंज और यू नो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है वो ये बताएगा। और ये ऑप्शंस का डेटा देखेगा, कॉल और पुट के ओवाई चेंज और उसमें पुट कॉल रेशियो क्या है। तो ये दोनों से आप कंफर्मेशन लेकर के, और यहाँ पे आप अपनी स्ट्राइक प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद ये स्ट्रेटजी चार्ट का भी, यहाँ पे भी आप स्ट्रेटजी चार्ट देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ज्यादा एडवांस हो गया है अभी। तो मैं सॉरी सॉरी फॉर दैट, मैं अभी आपको ऑप्शन चेन से कैसे स्ट्रेटजी चार्ट बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो राइट, सो सॉरी मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, अब देखो आपको यहां पे जाना है, बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करना है। आपने जब बास्केट ऑर्डर पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे सेल करोगे और इसको सेल करोगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, एड टू चार्ट, एनालाइज और प्लेस बास्केट ऑर्डर। प्लेस बास्केट ऑर्डर का मतलब है कि ये सीधे जाएगा आपका लाइव ऑर्डर चला जाएगा आपका सीधे, अगर आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट हो गए तो। ठीक है, और अगर आप होल्ड ऑन, और राइट, और अगर आप एनालाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सेम चीज आपको पे ऑफ चार्ट मिल गया, राइट। ये जैसा अभी मैंने आपको ऑप्शन जस्ट में दिखाया था। और अगर आप एड टू चार्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो आपको, मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि आप लाइव भी अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हो। तो कैसे करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है, यहाँ पे बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे सीधा सेल बाई जो भी करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यह लेग्स आ जाएंगी और इसको सीधा एड टू चार्ट। अभी आपका स्ट्रेटजी चार्ट बन गया। और अभी देखो जैसे आज हमने यहाँ पे बनाया होता स्ट्रैडल, तो ये हमको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस दे रहा होता ये हमको दिखाता, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आई एम सॉरी, मुझे ये मेरे जस्ट माइंड से, क्योंकि ये नया फीचर है मेरे माइंड से थोड़ा सा हट गया था, बट ये यहाँ पे सेम चीज है। जैसे अगर आप जाएंगे, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो अगर आप निफ्टी में जाते हैं, देखिए जो जब आप यहाँ पे एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, राइट। जैसे जो मैंने निफ्टी यहाँ पे सेलेक्ट किया, और ये अभी अगर मैं बास्केट ऑर्डर को ऑफ करूंगा तो यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ऑन करने पे। तो ये एक्सपायर्ड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के केस में हो गया। अगर आप इसको ऑप्शन चेन के लिए देखते हो तो सेम चीज है, आप यहाँ पे बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डालोगे, सॉरी सेल बाई करना है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सेल किया और यहाँ पे बाई किया समझो इसको, ठीक है, और बस एड टू चार्ट करना है, ये आपका स्ट्रेटजी रेडी हो गया, राइट। तो तीन ऑप्शन हुए, एक ऑप्शन यहाँ पे सर्च से, दूसरा ऑप्शन चेन से, और तीसरा हमको एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए मुझसे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अपना माइक भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आई थिंक हाउ टू डू दैट। मैं करता हूँ, हाँ आपके माइक्स अभी ओपन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। आप अभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली दुर्गेश कैन हेल्प यू आउट। गो अहेड गाइस, वन बाय वन। तो जिनको क्वेश्चन पूछना है उन्होंने चैट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए, आई विल कॉल यू आउट। मैं आपका नाम लूंगा तब आप आपका माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन छोटा रखिए और टू द पॉइंट पूछिए। थैंक यू। प्राइस अलर्ट आएगा, डेट नहीं दे सकते बट जल्दी आने वाला है।
यस, इस पे और डिटेल वीडियोस आने वाले हैं। सो स्पेसिफिकली ये चार्ट्स यूज करके ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे सेल किए जाते हैं और ऑप्शन सेलर्स, उस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं अभी, बट जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो निकलेगा। ऑल राइट, आई थिंक वी आर गुड दुर्गेश, एवरीवन इज वेरी गुड। सो मेक यूज ऑफ द बीएससी चार्ट्स। बीएससी चार्ट्स अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है फिर भी बीएससी चार्ट्स फ्री है अभी के लिए। और ऑप्शन चार्ट्स, सो बीएससी के ऑप्शन चार्ट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, राइट? एक सेकंड, सॉरी। सो मेक यूज ऑफ इट। दुर्गेश, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? No, I think if किसी को कुछ पूछना है तो please ask. Otherwise, I think this was it from my side. Delta that is represented by yellow color on both sides. How to interpret sell and buy side? Angad sir, show us. Okay, thank you Anup bhai. Bhavesh Mathare, देखो दोनों साइड येलो कलर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? वो दोनों साइड येलो कलर, देखो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे hold on, this is Nifty chart, so futures, okay. And let me set the imbalance setting to just 300. Right. अभी देखो दोनों साइड आपको कहां पे दिख रहा है? जैसे देखो हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं ऐसे, कंपैरिजन ऐसे करते हैं बेसिकली डायगोनली। तो इसके सामने अगर यहां पे भी इंबैलेंस है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इससे कंपैरिजन हो रहा है, ये इससे कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको डायगोनली कभी नहीं दिखेगा, राइट? डायगोनली कभी आपको एक साथ नहीं दिखेगा, मतलब इसका और इसका दोनों येलो एक साथ नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि इसका इसका कंपैरिजन के बेस पे ही बनता है। अब अभी अगर इस पे भी येलो है, इसका मतलब है कि इसका इससे कंपैरिजन हुआ है, ठीक है? तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा अभी क्वेश्चन आ सकता है कि डायगोनली क्यों करते हैं? अगर आप डॉम देखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ बीटीसी यूएसडी का, जैसे मान लो हमने लिया, और अगर आप डेप्थ ऑफ मार्केट देखोगे ना, डेप्थ ऑफ मार्केट में जो बेसिकली ऑर्डर्स अरेंज होते हैं ना, भी कैसे बताऊं इसको, होल्ड ऑन, इस पे नहीं आ रहा, टीसी यूएसडीटी, ओके, आई थिंक देयर इज सम सेटिंग्स, राइट? सो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो प्राइस चलता है ना, उसके ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू शो यू हियर राइट नाउ, लेकिन अगर आप डॉम को प्रॉपरली देखोगे ना, तो जो भी प्राइस चलता है ना, जो भी प्राइस चलता है, तो बिड और आस्क हमेशा डायगोनली रहते हैं, राइट? मतलब थोड़ा स्प्रेड रहता है, अगर आप देखोगे तो बिड और आस्क के बीच में एक स्प्रेड रहता है। तो वो जब इस जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, तो लिमिट सेल ऑर्डर पे मार्केट बाई एग्जीक्यूट होते हैं और लिमिट बाई पे मार्केट सेल एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही ऑर्डर प्रिंट होते जाते हैं, ठीक है? तो आप एक बार उसको ध्यान से देखोगे डॉम को, तो ये समझ आ जाएगा कि आपको डायगोनली क्यों कंपेरिजन करना होता है। अंगद भाई, अगर आपको कुछ बताना है, ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। Right, so I think that's it. Okay, so we are closing the session. Agar kisi ko kuch question puchna hai, to you can ask. Otherwise, I think I should close this. Okay, thank you guys. Okay, yes.